अबे ड्रेस कहाँ तेरी? वो सर आज मेरा बर्थडे है। तेरी गाँव सुअर। सर मैं इसका दोस्त हूँ, मैं बर्थडे पार्टी में आया हूँ। तो बेटे गिफ्ट ले लो। आओ बेटे, आज हम पढ़ाएंगे पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन 2 अक्टूबर 1947 में पैदा हुआ था। अरे सर झूठ क्यों बोल रहे हो? 2 अक्टूबर को तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ और 1947 को देश आजाद हुआ। अबे मास्टर तू है या मैं हूँ? तू हमसे ज्यादा जानता है, हम जानते हैं तुझसे ज्यादा। पूरी क्लास को तम हौसले मिला दूंगा, बता रही हूँ। तो सर पोल्यूशन कहते किसे हैं? पुलिस को जानते हो? यस सर। उसके बेटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सन। सन पुलिस, सन पुलिस, सन। तो बेटे मान लो ये पोल्यूशन है, इसके अंदर हम नाइट्रोजन डालेंगे इस तरीके से, तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाता, इसको क्या कहते हैं? पोल्यूशन। सर पोल्यूशन की स्पेलिंग क्या है, जरा इसके ऊपर प्रकाश डालियो। बस तू ज्यादा बड़ा नवाब बन गया है, तेरी गाल मार दूंगा प्रकाश डाल डाल के, बनिया अंग्रेज का फलन। सर आपको पोल्यूशन कम करना है? यस। yes. तो आपको जड़ समेत फैक्ट्रीज बंद करनी होंगी। अरे ये गांठ तेरे बाप की फैक्ट्री है, साले गांठ भाड़ देगा गाड़ी। तो जरूरी कोई है बंद करनी मत कराओ। बेटे जरूरी नहीं है कि पोल्यूशन फैक्ट्रियों से हो, कूड़े कचरे से भी हो सकता है। मुझे पूरी क्लास में साफ सफाई चाहिए, वो भी बेहतरीन वाली। इतनी देर से समझा जा रही हूँ मादर चोर, कान खोल के सुन लो सारे। अगर इसकी लाश में कूड़ा दिख गया ना जरा सा भी, गाल मार दूंगा सबके। तेरा बैग का सवाल हुआ अभी? सर एक कदम मेरा सोचना क्यों रहे? शाबाश, सारे मेरे साथ शपथ लो। मैं अग्नि को साक्षी मानकर, मैं अग्नि को साक्षी मानकर, इनके लोड़ो सही से बोल लो, ना तो इतना काटूंगा पूरी नस्लों के घूमने पड़ो होंगे। मैं अग्नि को साक्षी मानकर, मैं अग्नि को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, प्रतिज्ञा ये लेता हूँ, बहन के लोगों और भाइयों को सुधार लो, ना तो जवान वो सबकी। सर चाहे हमारा सर धड़ से कलम कर दो या फिर ये छाती गोलियों से छन्नी कर दो, मगर हमारे अल्फाज नहीं बदलेंगे। जय भारत की। बदल लेंगे। कान खोल के सुन लो सारी क्लास, मैं ओलिसन पोल्यूशन के बारे में जरा सा भी नहीं जानता हूं, लेकिन क्लास में मुझे इतना सभी कूड़ा मिल गया ना, इतना सभी सुअर बना वो सबका बता दिया हूं। घर तक पर सफाई करके रखनी है अपने, क्लास में ही ना बाहर भी सफाई का ध्यान देना, ठीक है? पढ़ो ध्यान से सारे। अरे मैया आज के बाद मैं तो कूड़ा फेंकूंगा। बस डर गया, अब हम करेंगे कूड़ा, दिखाइए जहन जरा। बुला मास्टर को, बहुत सड़ी के को। ओए हेलो, किने फेंका ये? सर मैं जुर्मीदान ना हूं इसका, यू भी है जो भी है, इनने 10 रुपए दिए फेंकवाने के मुझे। इतना सीधा लौटा है साली गांठ बोने सुअर, तुझे जानता ना हूं मैं कितना सुअर आदमी, तू उड़ा दे बाहर फेंक दिया। हेलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको बताऊंगा वन एक्स बेट के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है, आप अपनी फेवरेट टीम पर वन एक्स बेट के थ्रू बैट लगाकर बहुत सारा पैसा जीत सकते हैं और जीते हुए पैसे को इंस्टेंटली विड्रॉल कर सकते हैं बैंक अकाउंट में। और इसके अलावा भी आप बहुत सारे ई स्पोर्ट्स में बैट लगाकर पैसा जीत सकते हो, और अगर मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा बोनस। और गाइज इसकी लिंक आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप वीडियो को एंजॉय करो। यार फैन मास्टर बड़ा ही हरामी है, बड़ा ही मारा मुझे। अबे यार ये जो है लक्की, ये कुत्ते की नजर का बहन कड़ा सूंघ सूंघ आ जाता, जने कैसे पता चल जाता है इसके हम कूड़ा कर रहे हैं। अरे अरे कूड़ा ना टिक जा मुझे, निकल।
सरजी क्यों मार रहे हो? इसे कौन फेंक रहा? तेरा बाप फेंक रहा इसे? तुझसे कही थी तैसा भी कूड़ा ना जा सड़क पे, सालो जान को आ जाऊंगा तुम्हारी। सर सही कहते हैं, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, सफाई करता हूँ। भोसड़े के अबे ये बच्चा कहाँ था? गारा नाली में पड़ा, तेरी क्या बात है इसमें? गंदगी कर रहे साले, अंदर डाल दिए ना, तेरी गाड़ में डाल दूंगा इसे। अरे टिफन ने हाथ कौन धोगा? लैट्रिन में से ऐसी ऐसी आ गया स्वर के बीच, हाथ धो लिए ना तो चाप जाऊंगा तुझे। अबे यार इस मास्टर ने इतना परेशान कर दिया, सपने तक मैं काट लिया। सही कह रही है यार, ये क्या करा जावे इसका? करने क्या है, घोड़े को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे चमनप्राश। हैं कहावत थी, कहावत मार दिया। अबे साले कहावत की नहीं माननी, मास्टर की माननी है। अच्छा मास्टर की माननी है तो फिर मेरा प्लान सुनो। सुनाओ। बड़ी ही गौर से सुनना है, इधर उधर ध्यान बिल्कुल नहीं देना। तो फिर सुनो प्लान। अजी मेरा फलान। ओ भैया मेरी सुन तो ले। देख हेलो मास्टर जी। कचरा कॉलोनी में लोग सड़क पर कचरा फेंक रहे हैं। और क्या तेरी कहां में डालेंगे? अरे ना, नाम कचरा कॉलोनी है मगर कॉलोनी वीआईपी है, लोंडिया एक से एक माल रहता, मगर मेरी बराबर की लोंडिया तुम्हारा हिसाब ना। आ रही हूं। ओके सर। कहां में घोड़ा? कौन फेंक रहा पहन का भोसड़ा? मैं बता रंडी के लिए भोसड़े के माता चोद। यो यो डैंकर होइ गो सजान। तुम अमान भाई शादी ना कर रहे यार, उम्र ढलने पे लग रही है। अबे भैया शादी तो हम आज कर दें उनकी, बस समझ ले इतनी सी बात पे अटकी पड़ी है शादी। क्या बात? अब वो यार हम मुंह से कह के चार पहियों की गाड़ी मांग रहे हैं। चार पहियों की गाड़ी? ऐसे क्या करे है वो तुम्हारा भैया? हैं ये मत पूछ क्या करे। अबे ये क्या नहीं करता? क्या करता ये? उसका खुद का हाईवे पे काम है, खुद का अपना बिजनेस मैन हाईवे पे। हाईवे पे क्या काम है? छोले भटूरे का ठेल लगा हुआ है। माँ की गाली में दे दिया, नहीं सुअर बना दूंगा जरा देर में। गाली ने दे रिया मास्टर। क्या मास्टर? अब वो जिंदा हो गया फिर से, सबको मारता फिर रिया। अब हम तीनों को ढूंढ रिया मारने के लिए। जिंदा हो गया? ओ, फिर से काटते हैं साले को। चलो। अब यार लकी कहाँ है ये? अब यार इसे तो मैंने यहीं देखा था। अब अगर तूने यहाँ पे देखा था तो यहीं तो होता। हाँ यार। अब मास्टर ये लग कैसे रहा? साले को हमने कूड़े में दावा था ना, तो कूड़ा कूड़ा चिपक गया। एक घूंस में कूड़ा झाड़ दूंगा इसका सारा।
अबे यार शहजान, अब हम ट्रेस मैन को कैसे हराएंगे? वो जा तो रहे हैं हम विलियम सोड़ा भाई साहब के पास, यही कुछ उपाय बताएंगे। विलियम सोड़ा मिलेगा भी है ना? मिलेगा यार, इंशाल्लाह मिलेगा। विलियम भाई साहब, विलियम भाई साहब, गांड फटी पड़ी है। तो दर्जी सिलवाओ, ये लैब में करने आए हो? मजाक का मूड बिल्कुल नहीं है, कोई ऐसा साइंटिफिक फॉर्मूला लगाओ और हम तीनों को सुपरमैन बनाओ जिससे हम उस ट्रेस मैन को नष्ट कर सकें। यस, दिस इज ए वेरी वेरी सेक्सी प्रॉब्लम। आत्मा को मारने के लिए तुम्हें आत्मा बनना पड़ेगा। एक्चुअली एनीवे, आप समझ रहे हो मेरी बात को? तुमको भी मरना पड़ेगा बेटे। मरना पड़ेगा? कोई दूसरा सिस्टम बताओ। नॉट प्रॉब्लम, यमराज जी से अपनी बात है, पिछले महीने आए थे, क्वालिटी में मैंने रसगुल्ले खिलवाए उनको छोटे वाले, मैं तुमको सबको वापसी बुलवा लूँगा, ठीक है? दिस इज नॉट प्रॉब्लम, यू कैन फकिंग फिल दैट। कोई आसान सी मौत दियो। दिस इज ए वेरी सेक्सी बॉय। गोली का नाम तू गोली चार, उगड़ जाएगी तुम सबकी झाड़। वो तो गोली खा लो, 7.5 मिनट में ताम भोमड़े मिल जाएगी तुम्हारी जिंदगी, ठीक है? विलियम भाई साहब, तुम्हारी मौत से बात ना क्या? पूछिए क्या देरी बैठ रही है मौत मगू? मौत से बात तो है, लेकिन वो आ नहीं रही है, अभी मनाली गई है घूमने, उसकी छोटी वाली बहन आ रही है, वो सजने समझने में टहल लगा दे आ रही है। विलियम भाई साहब यार, 3.5 घंटे हो गए, मौत आगे ना दे रही, कहीं दूसरी गोली तो ना खिला दी तुमने यार। बेसिकली बट गुर्दा कलेजी फेफड़े सब खराब कर देती है गोली, पता नहीं आज क्या हो गया। ये सन 1947 में एक्सपायर हो गई, गांधी जी के फिंगरप्रिंट आ रहे हैं इस पे। कुछ और देखते हैं, घबराने की बात नहीं, कुछ और जुगाड़ देखते हैं। देखो ये पटरी है, इस पर ज़्यादा बैठना तुम्हें तीनों को, 5 बजे इस पर ट्रेन आने वाली है, जरा सा झटका लगेगा तुम्हारी मौत पक्की। विलियम भाई एक बात तो बताओ यार, मरने के बाद हम वापस आ भी जाएंगे है ना? कैसी बात कर रहे हो यार, तुम्हें जिन्नातों से मैं बचा के लाया, आदिवासियों से मैं बचा के लाया, यहाँ से नहीं बचा सकता? विलियम सोड़ा बहन का लोड़ा, जान बचा के इस भारी गांव नहीं मरा का 7 साल। बैठो विलियम भाई, ये तो वाली पटरी पे आ गई ट्रेन, अब की बार उस पर आएगी ना? एक घंटा खर्च करा दिया, इतनी देर में तो 5-6 बार मर जाते हम। नन्हे भाई के लोडो गाली मत बकना, बस तुम्हारे अब्बू की बहुत इज्जत करते हम, फिर नहीं आई बहन की बाबड़ी, हम तुम्हें दूसरे तरीके से मरवाएंगे। हाँ 2 मिनट लगा, जल्दी मरवाओ बेटे, छोटे वाले तू आया को बेटे, इसके गले में मैं ऐसा करके डाल दूंगा इसको, ये पंदा इसे मैं ऐसा करके खेद दूंगा, इसका बटन दब जाएगा, काम हो जाएगा इसका, फिर ऐसे ही तुम्हारा दोनों का नंबर आ जाएगा। मारो जल्दी, ठीक है बेटे? खुदा हाफिज। ठीक है, खेद रहे हो, खुदा हाफिज कर ले बेटे, वापसी तो आ ही जाएंगे। चलो 1 2 3 बता दो। विलियम भाई यार, भाई ऐसी मौत मत दो यार, इसमें तो हम मर जाएंगे। और क्या स्वागत बनाना है? विलियम भाई कोई ऐसी मौत दो जिसमें मरने में आसानी हो। आओ तो मेरे पास एक उपाय है तगड़ा वाला, उसको इंतजाम करते हैं, चलो एक्सपेरिमेंट है। तो बेटे मैं तो इस पाली में उतारूँ, ठीक है? 8 घंटे तक तेरा मुंह अंदर रखूँगा, 1/2 घंटे में तेरा काम हो जाएगा, ठीक है बेटे? ठीक है, नहाते नहाते आराम से मर जाइयो, फिर इन दोनों का नंबर है, ठीक है? अरे मैया, अरे मैया, सांस ना रिया, सांस ना रिया। विलियम भाई साहब, इज्जत की मत दो, जिल्लत की मत दो। तेरी भागा बबला, या तो ऐसी मरे। चलो तो मैं मर रिया, तुम्हें ऐसी मौत दे दूंगा बिल्कुल जैनमन वाली, तुमने सारे 7 घंटे फेल करवा दिए, अब भाई साहब एक ही इलाज बचा है, चलो आओ मेरे साथ चलो तुम।
बिल्कुल तगड़ी रेस थी। ये लो, इन्हें पहनने के बाद तुम्हारे अंदर सुपर पावर आ जाएगी। और एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अपनी पावर को नाजायज जगह मत यूज करना। तुम सिर्फ मुझे और ट्रेस मैन को ही देखोगे, ठीक है बेटे? काम करने के बाद मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। मास्टर, तेरा खेल खत्म। तेरी बुरी शक्तियों को हम अपनी अच्छी शक्तियों से खत्म करने आए हैं। नहीं, तुम तो क्या, तुम्हारे दादा भी अगर कब्रों में से उठकर आ जाए ना, मेरी जांच टेढ़ी ना कर सकते। मैं तुम्हारी नापाक शक्तियों से नहीं, पॉल्यूशन और कूड़ा कम करने से मरूंगा। ओहो, तो तू पक्का मुयोर है, तुझे मेरी ताकत का इल्म नहीं है। अभी तेरा मुंह झुंडों में रगड़ता हूं। अरे उठाओ घोसले को, दर्द हो रहा। टिपन्ने, तू ये कमजोरी है, बोतल चढ़वा। नहीं नहीं, मेरी माँ कहती है बोम्बिटा पीने चाहिए। इसको पी ले। यार भाई सुपरमैन, मेरी शक्ति तो काम ना कर रही, तू करके देख। अब क्या करा यार ये विलियम सोडा ना यार, शक्ति पक्ति तो कुछ काम कर ही ना रही। भाई ये बस हम पे सुपर हीरो के कपड़े कपड़े हैं, शक्ति पक्ति ना है ऐसा लग गया मुझे तो। अगर इससे जिंदा बच गया ना मैं, तो साले को विलियम सोडो को जान से मार दूं, बता रही हूं मैं। चुप, छोटे बच्चा है क्या? इसकी मौत पहले भी मेरे हाथों से लिखी थी, अब भी मेरे हाथों में लिखी है, क्योंकि अब सरदार के 12 बज चुके हैं। सुपर भैया देखे जा रहा, 10 बज रहा है क्या? ना 12 बज रहे हैं। चुप जा बेटे, चुप जा। ये सब करा धरा विलियम सोडा का है। एक तो हम अपनी जान जहाज दो बेटे, और ऊपर से हमें शक्ति भी ना मिली। बस जैसे तैसे करके टैम प्लीज दे दे, विलियम सोडा की तो ऐसे ही मार देंगे हम। हाँ, टैम प्लीज दूंगा तुम्हें तो मैं। बच्चा, अगर तुम्हें कोई बुरी शक्ति या भला परेशान करे तो तुम उसे एक तरीके से नष्ट कर सकते हो। उसके गले में घंटी या ताबीज या माला हो तो उसे निकाल दो, वो नष्ट हो जाएगा। क्या तुम आ गए बेटे? ना, अभी तो हमारी फोटो स्टेट है। उस कंजड़ को मार के आए नहीं ना, तो मुझे जाना पड़ता मजबूरी में, कपड़े चेंज करके सफेद कोट में बिल्कुल लड़ता हूँ मैं। अब एक बात तो बता दो विलियम भाई साहब, तुमने हमें सुपर हीरो बनाया या सुपर हीरो बनाया? नक्सलवादी में हमने अपनी हड्डी और तोड़ ली,
वो तो इस भजी मुझे ना कहाँ से पता चल गई बहन चुके उसके पास क्या घंटी में उसकी जान है इस वजह से बच भी गए नहीं तो बचते भी ना। बिलियन भाई साहब यमराज जी से बात करो हमारा शरीर हमें वापसी करवाओ। बहू के फोन आ रहे हैं।